हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं जा रहा था यहाँ से घर जा रहा था। तो जाते जाते मुझे ये दिख गया एक्चुअली भारत दर्शन बनाया हुआ है यहाँ पे इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर। तो इसमें अंदर चल के देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या है। काफी दिन से बनता बदले टाइम मिलता नहीं था, तो अभी आ गया तो बताओ इसकी एंट्री देखो कैसा है। ये देखो भारत दर्शन है ये अपना भारत दर्शन पार्क। अब यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी पहले तो शायद। हाँ, यहाँ से टिकट लेते हैं। कुछ कोविड की चीज़ लिखी हुई यहाँ पे, रूल एंड रेगुलेशन। टिकट काउंटर पर चलो फटाफट। तो टिकट ले लिए, कुछ इस तरीके की टिकट है, 100 रुपये की पर पर्सन की टिकट है और 4 घंटे के लिए वैलिड है। यानी अभी हम जाएंगे, टाइम क्या हो रहा है, लगभग 2 बज रहे होंगे ना, तो 2 से 6 बजे हम वापस आएंगे इसके अंदर से। तो एंट्री इसका ये रहा, एंट्री गेट। चलो फटाफट चले भैया अंदर, देखिए कैसा हो रहा है और क्या हो रहा है, क्या बनाया सा अंदर दिल्ली सरकार ने। अब बताओ कौन सा गेट है और किस चीज़ का गेट है। ये गेट का दो देख, कारीगरी तो अच्छे से करी गई है वाई गेट के ऊपर, पूरा पैसा लगाया है। पीछे झरने दिख रहे हैं, वहाँ भी चलते हैं अभी। देखो 100 रुपये वसूल होते हैं कि नहीं ये देखते हैं अभी। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो क्या क्या है यहाँ पे। हवा महल है, गोल जुम्बाज गुम्बाज कुतुब मीनार, ये क्या है नंदा माउंटेन, और ये मीनाक्षी टेम्पल। मास्क पहनना अनिवार्य है, तो मास्क तो लाए नहीं हम, देखते भगाते नहीं भगाते हमें। चलो झरना देखो भाई, इसके साथ एक फोटो तो बनती है। ये ना लोहे का पेड़ बना हुआ है, इसमें सिलेंडर रखे हैं बहुत सारे, ध्यान से देखो सिलेंडर काट काट के लगा रखे इसमें, छोटे 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 से, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है, सिलेंडर है, तराजू है, उधर कैन है, उधर कैन भी है जो पेट्रोल जाने कैन वो भी है, और भी बहुत चीज़ें हैं। लेकिन जो भी ना देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। आओ आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। इस पेड़ की आकृति दिखी है इसको, ये पेड़ है, डिटेल्स ये हैं और ऐसा बनाया इसको, अमेजिंग। चले आगे, नेक्स्ट इस तरफ से। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी हवा महल, कुछ इस तरीके का है यहाँ पे जो रियल में है और ये बनाया गया है ऐसा। अब मैं जो लाइव दिखा दूँ कैसा बना हुआ है, आप बताओ वैसा ही है कि नहीं है। ये वैसे ना ख़राब चीज़ों से, ख़राब लोहे चीज़ों से बनाया गया ये, लेकिन अच्छा है ये भी, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ भाई। सीरियसली मैं फ़ोन में दिखा रहा हूँ, सामने से अगर आप देखोगे तो मज़ा आ जाएगा देख के। तो इसके आगे भी एक फोटो बनती है तो भाई अब आ गए हम गोल गुंबद पे। ये वाला असली वाला है, ये वाला नकली वाला है ना। अब मैं जो बनाया गया सच में रियल में कैसे क्या दिखा दूँ। ये देखो भाई, मतलब ये देख के, ये सब देख के लगा सकते हो अंदाजा कि हमारे यहाँ के जो कारीगर है कितने बढ़िया है। वाओ गजब, बहुत बढ़िया भाई। लेकिन यहाँ पे ग्रीन भी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अब चलते हैं नेक्स्ट जगह पे, अगली जगह कौन सी है। तो भैया नेक्स्ट डेस्टिनेशन आ रही है हमारी, यानी अगली घूमने की जगह आ रही है कुतुब मीनार। दिखाऊं ये देखो जो कुतुब मीनार सॉरी दोस्तों गाली निकली गलती से मुँह से कुतुब मीनार देखो, भावना में बह गया था थोड़ा सा तुम्हारा रियल वाला को तुम नहीं हेरा और फेक वाला हेरा। विश्व की सबसे ऊंची ईट की मीनार, और ये हमारी लोहे की मीनार वैसे की नहीं दिल्ली की। हाइट का अंदाजा बता सकते हो कितना है इसका, देखना माय गॉड गजब।
देखा जाना तो काफ़ी अच्छी जगह है, आप आ सकते हो, फैमिली के साथ भी आ सकते हो, घूम सकते हो। बस कुछ खाने पीने का पता नहीं है कि नहीं यहाँ पे, लेकिन हाँ घूमने लायक जगह काफ़ी अच्छी है, शांत है, पूरा माहौल शांत है और हवा इतनी अच्छी है ना इसके अंदर, क्योंकि पता क्यों, एक तो पेड़ इतने सारे हैं, हंस ज्यादा पेड़ हैं, रोड के पास होने के बावजूद भी यहाँ पे अंदर ना फ्रेश एयर है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ भाई हम इधर उधर घूम रहे हैं, क्या है कहाँ आ गए हैं, अच्छी जगह है। अब नेक्स्ट पे जल्दी नालंदा के पास आए, नालंदा क्या है इसके बारे में कौन कौन जानता है मुझे बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। ज्ञान का प्राचीन केंद्र, यहाँ पे जो भी आएगा ना उसको ज्ञान मिलेगा, भरपूर भर भर के ज्ञान मिलेगा, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा उसको ज्ञान इतना मिलेगा, हंसी ज्यादा ज्ञान मिलेगा, वो ज्ञानी बाबा बन जाएगा और सीधा हो सके तो अगला प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। सीरियसली, और ये ईंटों की नहीं बनी भाई, लोहे की बनी है, सारा कुछ लोहे का है इसके अंदर। मस्त है, जो भी है बढ़िया बना रखा है, ये कोई टेंपल बना रखा है यहाँ पे। इसमें मूर्ति वगैरह भी लगाई है भाई, देख रहे हो, वाओ। कौन सा टेंपल है अभी बताता हूँ, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा टेंपल है ये, जल्दी जल्दी बताओ। ये है मीनाक्षी मंदिर, अति सुंदर, ये रहा ये, कुछ ऐसा दिखता है रियल में, और ऑलमोस्ट कुछ इसी तरह की कारकर्दगी दी गई इसको, डिटेल्स ये रही आप पढ़ सकते हैं, आई होप सबको साफ साफ दिख रहा होगा। मदुरई में है ये मंदिर, तमिलनाडु में, 42 फुट ऊंची लंबाई दी गई है इसको, 26x12 की। सीरियसली बहुत बढ़िया है। ये आया शेर के पास, इसे शेर चाहिए, देखो हरा शेर हरा शेर चाहिए, देखो हैं आधा खड़ा हूँ, देखो इसको फोटो खिंचवानी है, इसकी फोटो खींचते हैं फटाफट। ये देवता के निवास की यात्रा, देवता के निवास की यात्रा होती है क्या, होता है यार, बद्रीनाथ का ये सीन, बद्रीनाथ टेम्पल का, ये देखो यहाँ पे जो हमारे देवी देवता होते थे वो यहाँ पे आके यात्रा करते समय इस जगह रुकते थे, मे बी कुछ ऐसा ही हो, अगर किसी और को पता है इसके बारे में तो वो भी बताएं हमें। अब ये क्या बना हुआ है, ऊपर झंडा भी लग रहा है इसके, तो भगवान कृष्ण का मंदिर, राधे राधे, ये हमारे कान्हा जी का मंदिर है, जो कि है भगवान कृष्ण जी का मंदिर, जो कि है ये कहाँ पे है भाई, एड्रेस तो नहीं दिखे बस के अंदर, ओरिजिनल लोकेशन द्वारका गुजरात इंडिया, मतलब ये गुजरात का है, द्वारका द्वारकाधीश का मंदिर है ये। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, बहुत सारे, बच्चे आए हैं फैमिली के साथ अपने, कहते ना चार धाम में एक नाम, जन्नतपुरी, सही बात है ना। अब इसका ये अस यहाँ पे कुछ इस तरीके का डिजाइन दिया है इसको, ये देखो सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब यहाँ पे भी आके अपनी एक धामा पूरी कर सकते हो। अभी इधर काम चल रहा है, इधर भी कुछ ना कुछ बनेगा, आगे चलो भैया, हाली हाली आगे कुछ हो रहा है, मेहताब महल। यार मैं ना यहाँ का दीवाना हो गया, इधर ही घर बनाएंगे, इसमें एक प्लॉट मिल जाए बगल में, इधर ही पीछे काम चल रहा है, 100 गज का मकान इसी मिल जाए बस, पीछे काम चल ही रहा है, छिड़वाड़ा का काम। ये पैलेस है बेते युग की रूहानी स्वर है, ठीक ही, मैं ऑलमोस्ट सेम बनाया, मैच कर सकते हो आप लोग, बाकी रियल में तो कुछ ऐसा दिखता है फिलहाल जो बनाया है।
नाइस ना, तो मजा आ रहा है घूमने में, काफी चीजें यहाँ पे। और एक ये पीछे बांखड़ पागल हो गया है, कह रहा कैसे कैसे लोग है फोन के अंदर भारत दर्शन कैद करके ले जा रहे हैं। साला पता नहीं क्या दारू पी रहा है, क्या पी रहा है, जहाँ मर्जी देखो उसको दारू मिली जाती है। देखो दारू उसके हाथ में, देखो कैसे तेजस्वी लगे, धूप बहुत तेज है या बेबे लाइट वेट यहाँ भी लाइट वेट है। नजारा देखो ये देखो भाई, सीरियसली ये क्या है, गुम्बद सा बना रखा है यहाँ पे। ये देख लो भाई, सात स्तूप है, ये ऐसा रियल में है और रील में ऐसा है, लेकिन बना रखा बढ़िया बना रखा है। आगे से ये गेट ऐसे ही रहा, ये अपने बुद्ध भगवान, जो बाहुबली मूवी के अंदर रथ यूज होता है वो यही है, देवसेना देवसेना से कुचलने वाले थे, बचा लिया था। पत्थर का अनोखा रथ, वो पत्थर का और ये लोहे का है, हम्पी रथ है ये। अगर किसी ने आगरा जाके ताजमहल नहीं देखा है ना, तो ये यहाँ पे आके देख सकता है ताजमहल, वो भी ब्लैक कलर का है भाई, रियल। ये बोलते नहीं है वो ब्लैक कलर का, कहते हैं ना कि आजकल ताजमहल के अंदर कलर फेड हो रहा है, तो सीरियसली ताजमहल में असली कलर ये रहा, जो अंदर से ऐसा है ये रहा ताजमहल हमारा, प्रेम का प्रतीक ताजमहल। किसी टाइम पे बताया गया था कि ताजमहल काले पत्थर का बन रहा है, और ये देखो भाई पे ये खामा का, ये अपनी ब्लॉगिंग कर रहा है यहाँ पे अलग से बिल्कुल ये भी ऐसे बनाया है, बढ़िया बना था क्या वैसे। तो अगली डेस्टिनेशन है ये, हम पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में आ गए अब, लेकिन जो भी बनाया ना बहुत अच्छा बनाया है। इसके अंदर पता है बोतल रखी हुई कांच की भरी हुई, हरी हरी जो चीज दिख रही है आपको, अभी बताता हूँ क्या है ये, पहले ध्यान से देख लो, मुझे भी नहीं पता क्या है ये, है मैसूर पैलेस। वाओ रियल में ऐसा है, शाही महल जो कि है मैसूर कर्नाटका इंडिया के अंदर, और ये हमारे इंडिया के फेमस जो कारीगर हैं उन्होंने बनाया है ये। और ये आ रहे हैं इनके ये केजरीवाल जी को, उन्होंने बोला था कि भैया ऐसा कुछ बना के दो जिससे दिल्ली में घूमने मजा आया भाई, और वो बना के भूल गए कह रहा है, साला पागल हो गया। ये हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की देख सकते हो, हिरण भी है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर में घास चरने चली जाएगी, वैसे घास की कमी नहीं है यहाँ पे। ये है हमारा चार मीनार, वाओ सीरियसली बढ़िया है। तू बोल ले, हैदराबाद की पहचान चार मीनार, जो भी हैदराबाद गया है उसको पता होगा चार मीनार कहाँ पे और कैसे है। तेलंगाना के अंदर, इंडिया के अंदर है ये अपना हैदराबाद, जहाँ की बिरयानी बहुत फेमस होती है। अभी जा रहे हैं, अभी मेरा टूर बनने वाला है हैदराबाद का, तो वहाँ की कम से कम 10 तरह की बिरयानी खिलाऊंगा मैं आप लोगों को, खाऊंगा मैं, देखना आप लोग। ये है कोणार्क मंदिर जो कि अपने उड़ीसा में है, कुछ ऐसा दिखता है और ऐसा बनाया है इसको, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो सेम सही बनाया है, और रियल लाइफ में कुछ ऐसा है जो सामने अभी देख पा रहे हो यार। लेकिन सच में जिसने भी बनाया ना, जिसका भी आइडिया था ना, ये बहुत अच्छा आइडिया था, मतलब सीरियसली सर का दर्द हो रहा हो किसी को तो यहाँ आके घूम लो, सारा दर्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मज़ेदार जगह है। देखो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया है यार, और रात को तो क्या ही नज़ारा आता होगा इसका। ये अजंता एलोरा का जगह है, एलोरा ये कलात्मक गुफा है जो इसके अंदर थी पहले, जैसे कि जाते थे घूमने के लिए, बहुत बढ़िया जगह है घूमने तक। और ये हमारे बुद्ध जी यहाँ पे विराजमान है अपनी
विश्राम कर रहे हैं, निंदा पूरी कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो साथ के साथ सफाई भी हो रही है, कहीं जंग वगैरह लग रहा है जो भी चीज़ है, तो साथ में आई थिंक इनके ऊपर थीनर वगैरह डाला जा रहा है जिससे इनकी जंग दिख रहा है। ड्राइवर मार रहे हैं, ड्राइवर मार रहे हैं इसके ऊपर ताकि साइन बनी रहे इसकी, हम जल्दी खराब ना हो। ये हमारे हाथी जी, जय कन्हैया लाल की। तो वो तो थक गया मैं, बैठ गया, एग्जिट पे भी आ गया हूँ मैं। तो सीरियसली यहाँ पे अगर 100 रुपये आप दे रहे हो ना, तो 100 रुपये वर्थ है, घूम सकते हो आगे, अच्छी जगह है, फैमिली के साथ भी आ सकते हो। अंदर थोड़ा बहुत खाने पीने का भी है, बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है, बट कुरकुरे चिप्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको मिल जाएगी इजिली। और 100 रुपये में मुझे नहीं लगता कि हाँ 100 रुपये दे के आप यहाँ पे आके बोर होगे। 4 घंटे हैं, 4 घंटे इसके अंदर पूरा दिन आप मतलब 4 घंटे इंजॉय कर सकते हो, तरीके से कर सकते हो, कहीं बैठ सकते हो, कोई रोका टोकी नहीं है किसी की चीज़ें फोटो के बाद। हाँ, किसी चीज़ को छूना मना है। और ये गार्ड साहब हमारे तंबाकू खा रहे हैं बैठ के सब, चाह भाई साहब। ओए सेठ जी, कहना चाहेंगे आप? दिल भाग भाग हो गया है, सारे बगीचे में घूम रहा है, तो भाग भाग तो होगा ही। अभी मैं चिकारा से भी मिल लिया यार। अभी सम्राट चिकारा के बेटे की चारा की मम्मी से मिल गया है। मैं फोटो डाल दूंगा मैं इसके अंदर। तो अब चल रहे घर, थक गए हम, खाना वाना खाएंगे, घर पे जाके सोएंगे, और फिर शाम को जाना है जिम। यू नो बॉडी इज मेन, बॉडी अच्छी रहेगी तो हम भी अच्छे रहेंगे। इसको दो कैसे बना रखा है, नीचे तो गेट है, ऊपर जो बाइक के इंजन है, ये देखो कितने सारे बाइक के इंजन चैन, बुलेट की इंजन चैन, सारी चीज़ें लगा रखी है इसके अंदर, भर भर के। हम कहते हैं ना कि जो भी वेस्ट है सब यहीं यूज़ करेंगे। और इतना ऐसा ही चंडीगढ़ में भी है अपना, देख रहे जो कि है, लेकिन उससे ना अच्छा बनाया है दिल्ली में। ये दिल्ली को दिखाता है कि हाँ भाई दिल्ली में अगर आ रहे हो आप, घूम सकते हो, बहुत बढ़िया जगह है। वो भी था, ये था, काफ़ी अच्छी जगह थी, घूम सकते हो आप लोग आके, अपनी फैमिली को लेकर आके घूम सकते हो, प्रॉपर मज़ा आया हमें तो घूमने में। हाँ, जब जैसे जितनी ब्लॉगिंग कर सकता था उतनी करी, क्योंकि मेरे को ना ब्लॉगिंग से ज़्यादा मज़ा घूमने में आ रहा था। सीरियसली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जल्दी जल्दी से यार हमारे सब्सक्राइबर गेन करवा दो यार, बहुत हो गया थोड़े जल्दी, क्योंकि ना ऐसे कहना मोटिवेशन नहीं मिल रही। और आप लोग जल्दी सब्सक्राइब करके और फटाफट शेयर कर दिया करो, ठीक है? और ये जो लाल कलर का बटन दिख रहा है ना, उसको दबा दो फटाफट। चलो कुछ नहीं मांग रहा, बस ये मांग रहा हूँ बटन दबाओ फटाफट जल्दी। चलो बाय बाय।